उतना तो खा नहीं पाएंगे, इतना महंगा सब्जी है, चलिए इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपसे को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और खाने के बाद दोस्तों ऐसा अभी काम नहीं है, और काम तो बहुत सारा है लेकिन हम लोग अभी धूप के टाइम है तो इस टाइम अभी कुछ काम नहीं है। तो फिर सोचे कि देखिए यहाँ हौदा है, हौदे में थोड़ा साफ सफाई करना है, उसके बाद हाँ और उस तरह भी करना है। दोस्तों कहा कि हम लोग हौदा से ही नहाते धोते सब कुछ इस हौदे से ही करते हैं, तो अभी यहाँ थोड़ा काफ़ी ज़्यादा सवाल बैठ गया है तो इसको साफ करेंगे। उसके बाद है कि इधर हाँ, और दोस्तों देखिए इधर थोड़ा घास उस बहुत ये हो गया है तो इसको भी साफ सफाई करेंगे। और ये थोड़ा झाड़ी जैसा हो गया है ना दोस्तों, तो यहाँ सांप आते रहता है और मम्मी दो तीन बार यहाँ सांप देखी है। और दोस्तों सांप तो देखी है, उस टाइम हम लोग को विश्वास नहीं होता था लेकिन आज दोस्तों यहाँ देखिए सांप का केतली छोड़ी हुई है। तो कौन सा सांप है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे केचुली है वो छोड़ी हुई है देखिए, और ये दोस्तों ये नाक का है जिसको हम लोग गहमन बोलते हैं, तो उसी का केचुली है देखिए। ये सब देखिए यहाँ बहुत बार मोटा सांप का है, छोटा मोटा नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हौदे का जो भी पानी है वो सब यहाँ डाल देंगे, उसके बाद ये घास को हटा देंगे क्या जी। हाँ। तो चलिए फटाफट कीजिए। देखिए दोस्तों अभी पानी ले जा रहे हैं और बाल्टी में खुशी मम्मी देगी, और हम ये वाला प्लास्टिक का जो बाल्टी है इस बाल्टी से देंगे। तो दे दीजिए, ये पूरा है ना। तो देखिए दोस्तों इसमें पौधा भी लगाए हैं, एक नींबू का और दो अनार का, और एक इधर चीकू है और दो इधर पथरी जो होता है उसका पौधा है देखिए। तो ये सब में पूरे दे दीजिए जी, हम उधर आम का देखे आते हैं ना। तो चलिए दोस्तों उधर आम लगाए हैं तो आम में पहले दे लेते हैं हम। देखिए ये भी आम है, उसके बाद और एक इधर है देखिए, यहाँ पर बड़ा हो गया है तो इसमें भी थोड़ा पानी दे देंगे। तो चलिए इसमें दे देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें दे दिए, अब चलते हैं और एक बाल्टी देंगे उसके बाद ओलाम भी। तो उधर आम का दिया हो गया, और देखिए इधर खुशी मम्मी अभी डाल रही है पानी, मुझे इसमें भी डालिए। तो देखिए ये चीकू का पौधा है, तो देखिए यहाँ भी डाल दी। और ये सब दोस्तों जितना भी घास है सबको साफ सफाई कर देंगे ताकि सांप इधर नहीं आएगा। हाँ। कहे कि दोस्तों यहाँ नहाते धोते रहते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरा है। देखिए पूरे में पानी डाल दिए, और अभी खुशी मम्मी बर्तन ले आई है यहाँ साफ़ करने के लिए। तो देखिए अभी यहाँ साफ करने लगी, तो यहाँ साफ़ करेगी और हम जा रहे हैं दोस्तों ये हौदे को साफ़ कर देंगे। देखिए कितना ज़्यादा सवाल हो गया है, तो हम हौदा साफ कर देते जी है ना। कर दीजिए दोस्तों। देखिए हौदे में पानी कम करके अभी हौदा उतर गए हैं और यहीं अब साफ सफाई करेंगे। और देखिए कितना ज़्यादा सवाल है, और खुशी मम्मी अभी बर्तन साफ करके यहाँ रख दी है, देख रहे हैं। हाँ, और दोस्तों आप लोग एक बार बोले थे तो आप लोग कमेंट में बताए थे कि ब्लीचिंग पाउडर डालिए या तो फिर चूना डालिए, तो अभी तो सब इंतजाम नहीं हो पाया है तो हम लोग अभी ऐसे ही साफ सफाई करके छोड़ देंगे है ना जी। तो दोस्तों देखिए हौदे को पूरा साफ़ कर दिए हैं, अभी इसमें पानी भरेंगे और नहाएंगे, और अभी गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा नहा लेंगे और फ्रेश हो जाएंगे अच्छा से। तो दोस्तों देखिए पानी भर के एकदम नहा लिए पूरा फ्रेश से, और अभी खुशी मम्मी भी नहा ली, और जितना भी कपड़ा था वो सब अभी साफ़ की है, जितना भी गंदा हुआ था वो सब। और दोस्तों आज देखिए तुरंत कितना जल्दी मौसम चेंज कर दिया है कि अभी पूरा ढूंढू हो गया है, ढूंढू कर दिया है अभी मौसम। और चलते हैं उधर घास अभी निकालेंगे, तो जल्दी नहा के आइए जी, इसको निकालना है। हाँ। और खुशी तो अभी नहाई नहीं, खुशी सुबह नहाई थी ना। अच्छा तो खुशी सुबह ही नहाई थी, सुबह नहीं नहाई थी, नहाई थी। अच्छा तो दोस्तों खुशी सुबह ही नहाई थी, ये नहाने में आगे रहती है ना। तो चलिए दोस्तों जितना भी ये घास है ये सब को अब साफ करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब खुशी अपना मम्मी के पास चली गई, और इस तरफ देखिए अब यहाँ हम घास निकालेंगे, जितना भी घास है उसको साफ़ कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ खतरा हम लोग का बना रहता है इसलिए साफ़ कर दे रहे हैं बहुत, अगर अच्छा रहेगा। हाँ, साफ सफाई यहाँ रहेगा तो सांप नहीं आएगा, और वैसे सांप आके यहाँ केचुली छोड़ दी है ना तो काफ़ी ज़्यादा अब डर लगने लगा है। तो चलते हैं पहले साफ करते हैं फटाफट, तुम भी जाओ खाना खा के आ जाओ है ना। तो अभी दोस्तों खुशी की मम्मी जा रही है खाना खाने, और खाना खा के आएगी तो आइए है ना। हाँ। तो देखिए दोस्तों अभी साफ करते हैं हम, जितना भी घास है ये सब को सबको कबाड़ते हैं। देखिए बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, और देखिए ये सब में ये सब और ज़्यादा गोबर डरा दिया दोस्तों। देखिए कितना बड़ा केचुली है, देखिए इसको भी उधर ही फेंक देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों।
देखिए अब चला गया उधर, अब इधर आराम से सबको ये करते हैं। देखिए ये सब झाड़ी है ना दोस्तों, ये सब में डर लगता है कहीं यहाँ सांप रहेगा और यहीं से आते जाते रहते हैं रात में दिन में, पता नहीं इधर आएगा तो खतरा हो जाएगा। तो चलिए जितना भी घास है सबको कुबाते हैं। तो दोस्तों देखिए इतना सा साफ कर लिए हैं और अभी खुशी की मम्मी भी आ गई है साफ़ करने के लिए। तो यहाँ और थोड़ा सा इसको साफ़ कर देंगे और बोल रही है कि थोड़ा जाइए बाज़ार, तो ये वाला साफ़ करके अभी जाएंगे बाज़ार। और क्या क्या लाना है वो तो अभी खुशी की मम्मी ही बताएगी, तो पहले साफ़ कर लेते हैं। हाँ नहीं, तो फाइनली दोस्तों हम लोग का घास दोबारा हो गया। देखिए पूरा घास को हटा दिए, अब यहाँ थोड़ा साफ सफाई हो गया तो उधर फेंक दीजिए। तो देखिए उधर फेंक दिए हैं, उधर घास सूख जाएगा उस पर जला देंगे। अब इसमें था कि अब डर नहीं रहेगा, साफ हो गया ना तो डर तो रहेगा। हाँ नहीं तो पता नहीं सांप अपना केचुली छोड़ा है, पता नहीं इधर आके किसी दिन अगर कुछ हो नहीं हो जाता तो फिर बड़ी दिक्कत होता है ना। तो चलिए अब पूरा साफ हो गया है, अब चलेंगे बाजार। तो चलिए क्या क्या चाहिए बताइए, है ना। हाँ, घर आ गए और अब जा रहे हैं बाजार। तो जो जो बताना था वो तो बता दी हमको, तो चलिए बाजार में ही लेंगे, तो उसी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या बताई थी और क्या क्या खरीद रहे हैं। तो ठीक है दीदी हम चलते हैं ना। हाँ जाइए, तुम घर में कुछ कुछ कीजिए। हाँ, खाना ना और खुशी को थोड़ा अच्छा से रखना, क्या बहुत दौड़ते रहती है, बहुत परेशान कर रही है। इसे ठीक तो देखिए दोस्तों अब मेरे पास आ गई और देखिए कैसे है, इसी तरह करती है, मम्मी से ज़्यादा मेरे पास आके रहती है। क्या करती न बाजार बोले इसीलिए आ गई। कुछ ला देने के लिए। हाँ खुशी तुम भी बाजार जाएगी, तुम भी बाजार जाएगी। हैं तुम अभी बाजार मत जाओ, बाद में जाना ठीक ना, अभी तुम मम्मी पास जाओ, अभी हमको जाने दो बाजार। चलो तो मीठा ला देंगे, है ना। मीठा नहीं मिठाई, मिठाई पकौड़ी ला दीजिएगा। हाँ पकौड़ी समोसा ला देंगे। तो ठीक है बाय बाय, चलो बाय बाय, चलो बाय बाय। तो दोस्तों हम बाजार पहुँच चुके हैं और चलिए आप लोग को अभी सब्जी दिखाएंगे, और इधर सब्जी बेचने वाला बहुत अभी है और अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, दिखाते हैं चलिए क्या क्या सब्जी चढ़ा है। तो देखिए अभी भीड़ भी है और सब्जी भी दिखा रहे हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों अभी थोड़ा शाम हो गया है तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, धीरे धीरे भीड़ अब ख़त्म हो रहा है। तो देखिए इधर सब्जी भी है तो ख़त्म हो गया है, देखिए देखिए इधर भी है, काफ़ी ज़्यादा सब्जी है, मतलब ताज़ा ताज़ा सब यहाँ ताज़ा ताज़ा सब्जी लाते हैं बेचने के लिए। तो देखिए पूरा एकदम सब्जी है इधर भी, तो अभी बाद में सब्जी लेंगे दोस्तों। तो चलिए अभी थोड़ा बाजार घूम लेते हैं इधर उधर पूरा। तो देखिए उधर भी बेचते हैं, इधर भी बेचते हैं, और देखिए इधर भी बेचते हैं, देखिए। तो अभी और थोड़ा शाम हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद सब्जी लेंगे ताकि थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा निरमा लेने के लिए बोली है तो निरमा लेते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हैं लगाया हुआ किराना दुकान में, तो भैया जी एक निरमा दे दीजिए। तो देखिए एक निरमा ले रहे हैं और साबुन दे दीजिए, और नीम वाला का साबुन दो पीस वो दे दीजिए, ठीक है। एक प्लास्टिक में डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ये दो सामान है, तो दो ही सामान ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सब्जी उब्जी ले लेंगे। ले लिए हैं और भैया सब दे दिए हैं, और यहीं अच्छा अच्छा सामान मिलता है इसलिए हम लोग जल्दी यहीं आ जाते हैं, तो अभी लेकर चलते हैं। दोस्तों अभी आ गए हैं सब्जी लेने, और देखिए ये चाचा के यहाँ सब्जी लेंगे। और चाचा ये गोभी कैसे है? 40 और उधर वो गोटा 30 और खच्चा। तो दोस्तों जो नया नया आइटम है ये सब, तो वही सब ले लेते हैं। तो पोटल दे दीजिए ना हाफ के जी। तो चलिए दोस्तों पोटल ले लेते हैं हाफ के जी, और खासा 60 बोले ना। कुछ कम नहीं, एक किलो लीजिए 55, एक किलो में 55, यानी एक किलो एक के जी लेंगे तो 5 रुपये डिस्काउंट होगा ना। तो चलिए उतना तो खा नहीं पाएंगे, इतना महंगा सब्जी है, अपने किसान आदमी है जानते करते हैं। तो दोस्तों अभी अपने जानते करते हैं इतना महंगाई है, तो ज़्यादा तो नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो चलिए पोटल पहले लेते हैं। तो देखिए पोटल लेंगे, थोड़ा खस्ता ले लेंगे। तो दोस्तों देखिए पोटल हाफ के जी इतना छाँट लिए हैं, तो ये वाला भोजन करवाते हैं। तो देखिए चार लिए हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा हाँ हाफ के और एक लेगा, देख रहे हैं। हाँ चलिए उसको भर दीजिए, उसके बाद ये वाला भी चाहिए एक किलो दे देते। तो देखिए दोस्तों उसको हाफ के जी ले लिए हैं, अभी ये जो खस्ता ये नया फल है तो सोच रहे हैं इसको भी नवायन करेंगे। चलिए इसको चलिए इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए वजन कर दिए, आप पैसा दे देते हैं चाचा जी को, तो लीजिए चाचा है ना। और तो ना हाँ मैं हाँ हाफ के जी बोलिए थे, हाँ 35 हो गया। और खिजूर कैसा लगता है, खाके देखे? तो चलिए दोस्तों एक खिजूर फल मिल गया है, तो इसको भी थोड़ा खा के देखते हैं। तो देखिए अभी पैसा घुमा दिए, और इसे अच्छा लगता है चाचा? बहुत अच्छा लगता है। नया फल है ना, तो वही ना, पिछले बार बाजार में तो नहीं चढ़ा था, इस बार चढ़ गया है ना दोस्तों। अभी सब्जी लेके आ गए हैं यहाँ झाल मुड़ी खाने के लिए, तो यहाँ चाचा जी को मांगेंगे। चाचा जी 5 रुपए झाल मुड़ी दीजिए, 5 रुपए झाल मुड़ी दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ थोड़ा झाल मुड़ी ले लेंगे, और मुंड फ्रेश करके खाते खाते एकदम चलेंगे, तो पूरा एकदम फ्रेश करके दीजिए। तो देखिए एकदम चना बना के दे दिए हैं चाचा जी एकदम। तो चलिए आप खाते खाते चलते हैं। तो दोस्तों हम बाजार से आ गए हैं घर, और देखिए अभी है खुशी की मम्मी चावल डाल रही है। आँच नहीं लग रहा है, आँच नहीं लग रहा है तो जो रही है। तो देखिए दोस्तों हम लोग का कंडीशन आज क्या हो गया है, चूल्हा जल नहीं रहा है सही से, इतना मोटा मोटा काठी डाले हैं फिर भी तो फूको जोर से, तो चलो हम ही जला देते हैं, फूकने से भी नहीं जलेगा। तो देखिए दोस्तों अब जला दिए, जलने लगा, और देखिए अब झोला भी एक ले लिए दोस्तों, चाय के लाने के लिए दिक्कत हो रहा था, तो एक झोला भी खरीद लिए, झोला के झोला में ही ले लिए हैं। तो लीजिए जी सब्जी ला दिए हैं एकदम, बनाइए तो फटाफट। हाँ। कहाँ उधर पानी गिराने गई थी ना? हाँ, चावल के पानी। अच्छा तो लीजिए सब्जी ला दिए हैं, ये सब बनाइए, लो का चाहिए देखिए, जो बोले थी वही है, एक दूसरा है। का चाहिए देखिए, करेली? करेली तो नहीं है, दूसरा कुछ है ना? तो देखिए वो लिए हैं, उसके बाद निरमा और साबुन बोली थी वो है नहीं, वो करेली है। तो चलिए चावल पहले आप डाल लीजिए है ना। और दोस्तों देखिए दादी दी थी चप्पल फीता लगाने के लिए, तो लो। तो दोस्तों दादी ही दी थी इसका, वैसे हम नया चप्पल ला दिए हैं, लेकिन वो पहनती नहीं है, जोगा जोगा के रखती है, और पुराना चप्पल पहनती थी तो फीता टूट गया था, तो ये वाला दी थी बदलाने के लिए फीता, तो फीता बदला के ला दिए हैं। तो ठीक है, हाँ नहीं देख, तो देखिए दोस्तों पुराना चप्पल है पहन रही है, पहले फीता टूट गया था तो नहीं पहन रही थी, लेकिन अब फीता दे दिए लगा दिए तो अब पहनेगी। अच्छा भाई गलो, हाँ वैसे भले टूटी गिर रही है चप्पल में, फीता लगा वाले डल रही नतीवा के आने ले। हाँ दोस्तों तो वही फीता लगा के ला दिए, और देखिए अब खुशी मम्मी यहाँ चावल डाल रही है, देखिए। और दोस्तों और कुछ तो मिठाई नहीं लाए हैं, सिर्फ झाल मुड़ी लाए हैं, देखिए झाल मुड़ी लाए हैं, तो ये दादी को देते हैं, लो झाल मुड़ी। तो झाल मुड़ी दादी को दे दिए दोस्तों, ये बांटेगी उसके बाद खाएगी, जिसमें जिसको देने का मन करेगा देगी, नहीं तो खाएगी अपने। तो दोस्तों देखिए कितना जल्दी खाना बन गया, और अभी मार पास आ रही है। हाँ। तो चलिए बनाइए उसके बाद सब्जी दोस्तों। आज वो पोटल लाए थे, पोटल तो अभी बनेगा नहीं, और खाटा भी नहीं बनेगा, तो अभी देखिए बोल रहे हैं कि चाची सब भिंडी दी थी, तो भिंडी का ही सब्जी अभी बनाएगी, तो चलिए बनाइए जो है ना। तो फाइनली खाना बन गया है, और देखिए अभी भिंडी का सब्जी, और अभी खाने के लिए बैठ गए हैं, और बाकी सब बाहर में ही खा रहे हैं, तो अभी लाइट नहीं होने के कारण दोस्तों बाहर नहीं है, और अभी अंदर में ही बैठे हैं, तो चलिए अभी खाना खाते हैं। फाइनली खाना हो गया, और ये भी खा ली, हम भी खा लिए, और सभी खा लिए, तो चलिए। हाँ। आज का सब्जी भी काफी अच्छा लगा था, और हाँ। जो आज लाए थे वो तो कल बनेगा, सुबह बनेगा। हाँ सुबह बनेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे दूसरा ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।